तो आज हमारे पास आई है एलवाइड एसी की पीसीबी है ना, वाटर मॉडल की, जिसको कि हमने कनेक्ट करके रखा हुआ है। ये इसकी आउटडोर की पीसीबी है और ये इसकी इंडोर की पीसीबी है। और इसमें आज हमारे पास एरर आ रहा है E6 का, और आपको बताएंगे आज कि ये एरर किस चीज़ का है। तो इसके जो सभी एरर कोड हैं हमारे पास, उनमें ये एरर आया कम्युनिकेशन का, जो E6 का एरर है वो इसकी कम्युनिकेशन की वजह से आता है। अगर इंडोर से आउटडोर कम्युनिकेशन ना कर पा रहा हो तो ये जो ब्राउन तार है ये इसकी कम्युनिकेशन की वायर है, और ये दो ऑटो कपलर लगे हुए हैं इसमें। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि हमारी कौन सी पीसीबी में प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं। तो इस पीसीबी में जो है हमारी आउटडोर की पीसीबी में ही प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो हम इसके जो दो ऑटो कपलर हैं इनको चेंज करके देखेंगे, और इस पे जो पीएफ लगे हुए हैं उनमें शॉर्टिंग चेक कर लेंगे, क्योंकि अगर हमारा कोई पीएफ भी शॉर्ट होगा तो हमारा ये एरर दिखाई देगा। और अगर आपकी तार भी ख़राब होगी 3 नंबर वाली, वो फिर भी यही एरर हमारा आएगा इसमें। तो हमारी जो तार है वो तो ठीक है बिल्कुल। तो हम इसमें जो है ये ऑटो कपलर चेंज करके देखते हैं दोनों, फिर इसको चला के देखेंगे। तो हमने इसके ऑटो कपलर तो चेंज कर दिए हैं, इसको हम क्लियर कर लेते हैं पहले कटआउट से। और अभी इसको हमने कनेक्ट कर दिया और इसको भी चला के देखेंगे कि हमारी पीसीबी जो है ओके होती है या नहीं। तो अभी हमारी पीसीबी ऑन हो चुकी है, और ये 3 मिनट के बाद जो है हमारा कंप्रेसर चलेगा इसका। तो ये हमने इसके साथ कंप्रेसर कनेक्ट किया हुआ है, और ये इसकी इंडोर की मोटर तो चल पड़ी है। तो अभी आपको 3 मिनट के बाद दिखाते हैं इसको ऑन करके कंप्रेसर। तो हमारी जो पीसीबी है वो ओके हो चुकी है, और इसका कंप्रेसर भी चल पड़ा है, वो आपको दिखाते हैं। आपको इसकी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, और हमारा अभी वो एरर भी नहीं आ रहा। तो इसमें जो हमारा था इसके ऑटो कपलर ही ख़राब थे। तो अगर आपके पास भी ये एरर आ रहा है तो आप ऑटो कपलर चेंज करके देख सकते हो। सबसे पहले इस एरर में आपको ये इसकी जो वायर है 3 नंबर वाली, वो चेक करनी पड़ेगी, और अगर वो वायर ठीक है तो इसके ऑटो कपलर चेंज करके देख सकते हो आप।